हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। लुक एट द बोर्ड। द क्वेश्चन इज दैट, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लुक एट इट। द सम ऑफ एन टर्म्स, टू एन टर्म्स एंड थ्री एन टर्म्स ऑफ ए पी आर पी क्यू एंड आर, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स इज पी, तो सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू पी। सम ऑफ टू एन टर्म्स, सम ऑफ टू एन टर्म्स इज इक्वल टू क्यू एंड सम ऑफ थ्री एन टर्म्स, सम ऑफ थ्री एन टर्म्स इज इक्वल टू आर। मतलब उन्होंने साफ गिवन है कि सम ऑफ एन टर्म्स की वैल्यू पी है, सम ऑफ टू एन टर्म्स की वैल्यू क्यू है एंड सम ऑफ थ्री एन टर्म्स की वैल्यू आर। ये मैंने यहां पे आपको ब्रैकेट में बॉक्स में लिख दिया है। देन प्रूव दैट, फिर कह रहे प्रूव करो कि जो आर इज इक्वल टू थ्री ब्रैकेट क्यू माइनस पी। सबको पता आर क्या है, सम ऑफ थ्री एन टर्म्स, क्यू क्या है सम ऑफ टू एन टर्म्स और पी क्या है सम ऑफ एन टर्म्स। तो आपको इसको प्रूव करना है। तो हमारा सबसे पहले टारगेट होगा कि हम सम ऑफ एन टर्म्स निकाले, सम ऑफ टू एन टर्म्स निकाले और सम ऑफ थ्री एन टर्म्स निकाले, मतलब पी क्यू और आर की वैल्यू निकाले, उसके बाद इसमें पुट कर दे। तो आइए, जैसे कि आपको फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सबको क्लियर है, सब इसको जानते हैं। तो अब नंबर वन पे क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो मैं लिखा सम ऑफ एन टर्म्स से लिख दिया पूरा कंप्लीट। सम ऑफ एन टर्म्स की वैल्यू पी है, हमने पी लिख दी, एन अपॉन टू और कोई वैल्यू तो पुट करने नहीं, टू ए प्लस ब्रैकेट को ओपन किया, डी इसके साथ भी जाएगा, डी इसके साथ भी, तो एन डी और माइनस डी यहां तक आ गया। उसके बाद हमने ये ला ब्रैकेट भी ओपन किया, कैसे, एन की मल्टीप्लाई इसके साथ भी, एन की मल्टीप्लाई इसके साथ भी, एन की मल्टीप्लाई इसके साथ भी, टू को हमने अपॉन में रखा, तो एन की टू ए से करेंगे टू ए एन, एन की इससे मल्टीप्लाई करी एन स्क्वायर डी, एन किससे मल्टीप्लाई करी एन डी और टू सबके अपॉन में रख दिया, तो पी की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। उसके बाद हम निकालेंगे सम ऑफ टू एन टर्म्स। फॉर्मूला ये रहा आपके पास, यहाँ एन है सम ऑफ एन टर्म, तो यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, लेकिन यहाँ पे होगा सम ऑफ टू एन टर्म्स, सम ऑफ टू एन टर्म्स, तो एन की जगह यहाँ पे भी टू एन आ जाएगा और एन के प्लेस पर यहाँ पे भी टू एन आ जाएगा, तो सम ऑफ टू एन टर्म्स इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट, फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, एन ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया, एन की 2n से 2nd, एन की डी से करी 2nd, डी डी की 1 से करी डी, फिर एन की तीनों से मल्टीप्लाई करी, ब्रैकेट ओपन किया, 2an 2n स्क्वायर डी और nd, लॉजिक क्यों की वैल्यू भी आ गया आपके पास। अब है सम ऑफ 3n टर्म्स, फॉर्मूला ये आपके पास सही है, n के प्लेस पर आपको अब 3n लिखना है, फॉर्मूले में जहां जहां पर n है वहां पर आपको 3n लिखना है, तो सम ऑफ 3n इक्वल 3n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 3n माइनस 1 d। सम ऑफ 3n को कहा है r, तो सम ऑफ 3n की वैल्यू है r इक्वल, ये एज इट इज, ब्रैकेट ओपन किया 3n * d 3n d 3 माइनस 3 d। अब क्या करा हमने, 2 को तो अपॉन में रहने दिया और इसकी पूरे से मल्टीप्लाई कर दी, इसकी पूरे से मल्टीप्लाई कर दी, तो 3n की 2a से करी 6an, 3 टू या 6an, 3n की इससे मल्टीप्लाई करी 3, 3 जा 9, n टू n स्क्वायर d, 3n की इससे करी 3nd अपॉन में क्या है 2। तो यहां पर हमने अब p की वैल्यू, q की वैल्यू और r की वैल्यू तीनों फाइंड आउट कर ली है। अब क्या है, हमें प्रूव करना है ये, तो इसको हमने पूरे कॉपी किया और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, r की वैल्यू ये रही, r की पूरी वैल्यू हमने ये पुट कर दी आर की वैल्यू, फिर इक्वल 3 को 3 रखा ब्रैकेट, फिर इस क्यू की वैल्यू, ये रही क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू को हमने पुट कर दिया ब्रैकेट के अंदर, जब भी वैल्यू पुट करेंगे ब्रैकेट, फिर माइनस, ये रही पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू यहां पर हमने पुट कर दी। अब क्या किया, यहां पे हमने 3 कॉमन ले लिया, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 कॉमन लिया, 3 टू जा 6 2n, 3 3 जा 9 3n n स्क्वायर d, 3 से 3 कैंसिल n d अपॉन में 2 है, यहां पर 3 है ये एज इट इज। फिर हमने क्या किया, एलसीएम लिया, इसके अपॉन में लगाया 1,
क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन बनाया, एलसीएम लिया, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाइंग सबसे होगी, तो 2 किससे होगी 4, 2 किससे होगी 4, 2 किससे होगी 2, 2 की मल्टीप्लाई इससे भी, 2 की मल्टीप्लाई इससे भी, 2 की मल्टीप्लाई इससे भी, ये आ गया। फिर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सारा ऐसे कॉपी करेंगे लेकिन साइन चेंज करेंगे, 2an माइनस प्लस माइनस n स्क्वायर डी माइनस माइनस प्लस अपॉन में 2। अब क्या करा हमने, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको देखिए 2an प्लस 3n स्क्वायर डी माइनस n डी इक्वल 4an में से 2an माइनस करा 2an, 4n स्क्वायर डी में से n स्क्वायर डी माइनस करा 3n स्क्वायर डी, माइनस 2nd और प्लस nd, ये माइनस है प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का साइन बड़े की तरफ है, तो 2nd में से 1nd गया, तो nd साइन माइनस, और दोनों को हमने लिखा दोनों इक्वल है, तो प्रूव्ड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रूव हो चुका है। थैंक यू।